अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 हम पढ़े थे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अल्केन्स को हम पढ़े थे। इन द यस्टरडे लेक्चर वी डिस्कस्ड इन डिटेल द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, एंड वी डिस्कस्ड दैट देयर आर टू मेथड्स टू प्रिपेयर अल्केन। द फर्स्ट वन वाज हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू अल्केन्स एंड अल्केन्स, एंड द सेकंड मेथड वाज रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, कि जो अल्केन्स है जिनमें सिंगल बॉन्ड पाई जाती है वो क्या प्रॉपर्टीज, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। अब जैसे कि हमें पता है, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो अल्केन्स है ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं जिसमें ईच मेंबर इज डिफर बाय CH2 ग्रुप, एक CH2 ऐड होता है और फिर आगे से नया मेंबर मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन। तो अब जो अल्केन्स में जो पहले चार अल्केन्स हैं, पहले चार मेंबर्स हैं सीरीज के, जैसे हमारे पास पहले चार मेंबर्स में मीथेन है CH4, इथेन है C2H6, प्रोपेन है C3H8 और ब्यूटेन है C4H10। जो पहले चार मेंबर्स है सीरीज के ये गैसेस हैं, मीथेन गैस है जो सुई गैस में पाई जाती है, नेचुरल गैस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीथेन, इथेन और उसमें प्रोपेन पाई जाती है और ब्यूटेन भी। तो ये जो पहले चार मेंबर्स है ये गैसेस हैं। अगले जो पांच मेंबर्स C5 से लेके C10 तक के जो मेंबर्स हैं, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन, वो अगले जो मेंबर्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, और बाकी जो इससे हायर मेंबर्स हैं C11 जो सो ऑन, वो हमारे पास किस स्टेट में होंगे, सॉलिड होंगे, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी जो अल्केन्स की देखें, जैसे कि हमें पता है कि जो अल्केन्स हैं ये नॉन पोलर है, इनमें पोल्स नहीं बनते ना। ये अगर हम मीथेन देख लें तो मीथेन में कहां पे पोल्स बन रहे हैं, कहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव पोल आपको नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब, जैसे हमने 9th में ये रूल पढ़ा है, लाइक डिसॉल्व लाइक, सॉल्युबिलिटी का रूल है, कॉमन रूल है, अप्लाई होता है सब पे, कि एक जैसी नेचर की चीजें एक जैसी नेचर के सॉल्वेंट्स में हल होंगी। तो इस वजह से जो अल्केन्स है, चूंकि ये नॉन पोलर है, इस वजह से वॉटर में ये डिसॉल्व नहीं होते, वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर जो है ये पोलर है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, वाटर पोलर है, अल्केन्स नॉन पोलर है। इस वजह से अल्केन्स वाटर में हल नहीं होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन जो पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, जैसे हमारे पास ईथर है या बेंजीन है, उसमें ये हल हो जाते हैं। अगली इसकी प्रॉपर्टी है इनसॉल्युबिलिटी हो गई। अगली प्रॉपर्टी ये है कि जो अल्केन्स हैं इनकी डेंसिटी जो ही मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, जैसे सिंपल अल्केन, सिंपलेस्ट अल्केन मीथेन है, फिर जो जो कार्बन बढ़ते जाएंगे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा, तो जो अल्केन्स की डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। जब डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता जाएगा। सक्सेसिव मेंबर्स के साथ जब जो जो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, सिंपले से कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ेगी और उसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और इसी तरह से जो अल्केन्स है, मैंने आपको बताया कि जो जो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है तो दे बिकम मोर एंड मोर विस्कस, विस्कोसिटी गाढ़ापन जो है वो भी इनका बढ़ता जाता है मॉलिक्यूलर साइज के साथ साथ। और एंड वाली इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो अल्केन्स हैं वैसे तो जाहिर है फ्लेमेबल तो है। अब फ्लेमेबल ये है अल्केन्स, लेकिन जैसे हमें पता है कि ये पैराफिन्स हैं, लिटिल रिएक्टिव हैं, तो जो जो इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाता है इनकी फ्लेमेबिलिटी भी कम होती जाती है, ये लेस फ्लेमेबल होते जाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा टूटेंगे नहीं, फ्लेमेबिलिटी तो तब होगी जब कार्बन कम्बस्ट होगा, कार्बन की कम्बशन होगी, कार्बन टूटेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा। अब जब हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा, जो अल्केन्स हैं उनको तोड़ना मुश्किल होता जाएगा, इस वजह से हम कहते हैं कि जो जो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है अल्केन्स जो है ये लेस फ्लेमेबल होना
स्टार्ट कर जाते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स है सिंपल, कि पहले होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, जब पहले चार मेंबर्स हैं वो गैसेस हैं, नेक्स्ट 10 तक हमारे पास लिक्विड्स हैं और फिर सॉलिड्स हैं, और डेंसिटी इनकी बढ़ती जाती है मॉलिक्यूलर साइज के साथ साथ। नॉन पोलर है इसलिए नॉन पोलर सॉलिड्स में हल होंगे, ईथर में, बेंजीन में, एल्कोहल में, और जो पोलर सॉलिड्स है उनमें ये हल नहीं होंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो जो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है ज्यादा होता जाता है, ज्यादा विस्कस होते जाते हैं, ज्यादा डेंस होते जाते हैं, और फ्लेमेबिलिटी भी उनकी कम होती जाती है जो जो इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रही हैं, कार्बन जब नहीं टूटेगा तो वो नहीं रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं चेंज होगा। तो इस वजह से ये कुछ प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक अल्केन्स शो कर रहे हैं। कल हम इनकी, ये तो फिजिकल थी, कल हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे कि अल्केन्स क्या क्या रिएक्शन शो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।